जा रही हूँ ये आठ कली का डोरमेट, जिसमें मैंने ये आठ कली डाली हुई है और इसमें मैंने ये चार पांच कलर यूज किए हुए हैं। जो भी आपके पास कलर हो वो आप ले सकते हैं। इसको मैं पहली रो से ही बता रही हूँ, जहाँ से मैंने ये स्टार्ट किया इसी तरह से बता रही हूँ। इसमें मैंने देखिए 20 फंदे डाले हुए हैं, तो देखिए यहाँ से मैं ये दो फंदे इसी तरह से उतार लूँगी और मैं धागा दूसरा लगा लूँगी यहाँ से। ये देखिए दो फंदे यहाँ पे छोड़ देंगे, दो इधर उतार लिए, दो यहाँ छोड़ दिए और इसको पलट लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस साइड जब बैक साइड जाएंगे तब दो फंदे उतारेंगे, ये देखिए पलट लेंगे। अब देखिए ये वाला नीला कलर लगाएंगे तो यहाँ से ये दो फंदे बिना बुने ही उतार लेंगे। और अब देखिए यहाँ से ये वाला कलर लगाएंगे, ये देखिए दो फंदे यहाँ पे फिर छोड़ दिए। अब देखिए यहीं से पलट लेंगे, ये देखिए यहाँ पे सारे ये फंदे यहाँ तक बुन लिए। यहाँ पे बैक साइड से दो फंदे उतारेंगे इस तरह से बिना बुने ही इस तरह से। अब ये येलो वाला धागा लगाएंगे, ये देखिए दो फंदे फिर छोड़ दिए। ये देखिए फिर पलट लेंगे और दो फंदे यहाँ से इसी तरह उतार लेंगे। ये देखिए दो हमने इधर छोड़ दिए। अब देखिए लास्ट में हमारे पास ये चार फंदे बचे हैं इस तरह से, इसको इस तरह से पलट लेंगे। अब देखिए अभी मैं इधर से छोड़ रही दोनों साइड से, अब मैं इधर से दो दो फंदे बढ़ाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे ये ब्लू कलर हो गया, तो अब मैं यहाँ से येलो कलर लगाऊंगी ऐसे। और देखिए ये दो फंदे येलो के ऐसे बुन लूँगी और यहीं से इसको पलट लूँगी। ये देखिए यहाँ से दो फंदे बुन लेंगे ऐसे, यहीं से इसको पलट लेंगे। अब देखिए ये ब्लू कलर लगाऊंगी, अब देखिए यहाँ पे गैपिंग आ रही है तो मैं इस फंदे को उठाऊंगी और इस फंदे के साथ बुन दूंगी इस तरह से और यहीं से इसे पलट लेंगे।
अब देखिए यहाँ से इस फंदे को उठाएंगे, ब्लू वाले को ऐसे, और इसके साथ बुन देंगे, तो यहाँ पे गैपिंग नहीं रहेगी। और इसको इधर करके अब देखिए इसी तरह से मैं यहाँ तक बुन लूँगी, उसके बाद दिखाऊँगी दोनों साइड। ये देखिए हमारी कली पूरी हो गई है। आप देखिए ये वाली कली डालूँगी मैं, तो यहाँ से मैं सिर्फ इसमें से आधे फंदे बुनूँगी, 20 में से 10 फंदे बुन रही हूँ। आप जितने का बनाएं उतने फंदे आप ले लें इस तरह से, इस धागे से 2। ये देखिए 10 फंदे मैंने यहाँ पे बुन लिए हैं और यहीं से इसको पलट लेंगे। इस फंदे को सीधा बुन देंगे साइड वाले को इस तरह से, और इन धागों को मैं इसी के साथ बुनते हुए ले जाऊंगी क्योंकि मुझे आगे ज़रूरत पड़ेगी। इस फंदे को उतारेंगे, ये धागे सारे इस तरह से करते जाएंगे और इस धागे से ऐसे बुनते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे एक फंदा छोड़ देंगे, एक फंदा नहीं बुनेंगे, और देखिए इस तरह से यहीं से पलट लेंगे। इस फंदे को सीधा ही बुनेंगे साइड वाले को इस तरह से। अब देखिए इसी तरह से मैं लास्ट एक फंदे तक बुन लूंगी इसमें, उसके बाद दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने एक फंदे तक बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए यहाँ से मैं इधर को फंदे बढ़ाऊंगी, एक फंदा ये बुन लूंगी ये देखिए, और एक आगे से ले लूंगी इस तरह से, और यहीं से इसको पलट लूंगी। इस फंदे को सीधा ही बुनेंगे, आप देखिए यहाँ से एक फंदा और ले लूँगी और यहीं से पलट लूँगी। इस फंदे को सीधा बुनना है। आप देखिए इसी तरह से मैं ये 10 फंदे कर लूँगी, उसके बाद दिखाऊँगी। ये देखिए इसको मैंने यहाँ पे 10 फंदे बुन लिए हैं और इस तरह से ये वाली कली कंप्लीट हो गई है। अब देखिए इस तरह से मैं दूसरी कली डालूंगी, तो देखिए उसके लिए मैं ये वाला धागा लगाऊंगी और यहाँ से मैं सारे फंदे बुन लूंगी इस तरह से, इससे ये देखिए 20 फंदे हमारे पास हैं, तो मैं 20 फंदे पूरे बुन रही हूँ इस रो में। ये स्टार्टिंग की तरह ही यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, जिस तरह से डिजाइन स्टार्ट करते हैं उसी तरह से। ये देखिए सारे फंदे बुन लिए, अब एक फंदा यहाँ से इस तरह से उतार लूंगी और धागा आगे करूंगी इस तरह से, इस रो को बना के कंप्लीट कर लूंगी। इस फंदे को सीधा बुन लेंगे। अब देखिए इसमें मैं ये रेड वाला धागा लगाऊंगी, तो दो फंदे मैं इधर उतार लूंगी, जिस तरह से मैंने स्टार्ट किया था उसी तरह से। ये देखिए दो उतार लिए और दो इधर छोड़ दूंगी,
इसी तरह से मैं इसको कंप्लीट करूँगी पूरा बना के।